जय गणेश, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है 9 अगस्त 2017 दैनिक राशि फल प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा उसके बारे में जानते हैं। आज का पंचांग इस प्रकार है, सावन वद द्वितीया तिथि है, बुधवार, योग शोभन करण तैतिल, नक्षत्र शतारका एंड चंद्र राशि कुंभ है। आज कुंभ राशि के चंद्र है, राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आज का लकी कलर भी बताएंगे, आज घर से क्या खाकर निकलना है वो भी आपको बताएंगे। देखते रहिए ऐसे ही नए नए प्रेडिक्शंस, सब्सक्राइब जरूर करें ये चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आप फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो ये वीडियो अपने माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के लिए जो आज 11वां चंद्र है, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, मित्रों से लाभ रहेगा, संतानों का प्रोग्रेस रहेगा और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपका प्रोग्रेस होता है। वृषभ राशि के लिए चंद्र दसवें स्थान के अंदर है तो आपके लिए शुभ है, बिजनेस में कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है, पिता से लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आज दिन आपके लिए बहुत शुभ है। मिथुन राशि के लिए चंद्र भाग्य स्थान के अंदर है तो भाग्य स्थान के चंद्र आपको छोटी छोटी यात्राओं से लाभ करवाएंगे, ये चंद्र आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे, आप कुछ नया साहस करने जा रहे हैं तो आपको नए साहस में आज सफलता मिलने वाली है। कर्क राशि के लिए जो चंद्र है वो आज 8वें स्थान के चंद्र है, 8वें चंद्र आपके लिए शुभ नहीं है, वाहन चलाने में आपको विशेष केयर करना होगा, पानी से भी बचना होगा। पानी से बचने का मतलब ये है कि नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हैं तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे और फाइनेंशियल मैटर में, फैमिली मैटर में खास केयर करें। सिंह राशि के लिए चंद्र आज सप्तम स्थान के अंदर हैं जो मध्यम फलदायी रहेंगे, क्योंकि चंद्र यहाँ पर केतु के साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद टेंशन ना हो जाए उसका आपको केयर करना होगा और खुद का भी आपको अपनी हेल्थ के बारे में विशेष केयर करना होगा। कन्या राशि के लिए चंद्र जो है वो आज 6वें स्थान के अंदर है, ये चंद्र आपको रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले होंगे। कन्या राशि में खास करके जो भी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है इनके लिए दिन थोड़ा सा टेंशन वाला रहेगा, क्योंकि आज आपके शत्रु योनि के चंद्र हैं तो खान पान में विशेष केयर करें, पेट में कोई गड़बड़ ना हो उसका आपको विशेष केयर करना होगा। तुला राशि के लिए चंद्र आज पंचम स्थान के अंदर है, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं, मित्रों से लाभ रहेगा और दिन आपका प्रसन्नता में जाएगा। वृश्चिक राशि जो राशि चक्र की 8वीं राशि है इनके लिए चंद्र जो है वो चतुर्थ स्थान के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में चंद्र का जो भ्रमण है वो शुभ नहीं माना जाता है, थोड़ा सा चिंता टेंशन रहेगा बिजनेस एवं करियर के बारे में, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। धनु राशि के लिए चंद्र तीसरे स्थान के अंदर है तो ये आपके लिए शुभ है, नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ रहेगा। मकर राशि के लिए चंद्र धनस्थान के अंदर है तो वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और जो भी जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चिंता टेंशन वाला होगा, फाइनेंशियल मैटर में आपको विशेष केयर करना होगा आज के दिन, और वाणी में भी संयम बरतना होगा खास करके कुटुंब के अंदर। कुंभ राशि के लिए चंद्र अपने ही राशि के अंदर हैं जो आपके लिए शुभ है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले बनेंगे, लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे, और राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए चंद्र आज 12वें स्थान के अंदर होंगे, 12वें चंद्र आपके खर्च बढ़ाने वाले होंगे और आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आज का जो नक्षत्र है वो शतारका नक्षत्र है, आज ट्रैवलिंग के लिए बहुत उत्तम दिन माना जाएगा, खास करके 3 नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा चिंता टेंशन वाला रहेगा। वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए थोड़ा सा चिंता टेंशन वाला दिन रहेगा। कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए थोड़ा सा चिंता टेंशन वाला दिन है, और मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है इनके लिए थोड़ा सा चिंता टेंशन वाला दिन रहेगा।
नक्षत्र की शांति के लिए आपको घोड़े को खिलाना चाहिए, खाने में सफेद तिल का प्रयोग करें और कपड़े के अंदर लाइट ब्राउन कपड़े का, बादामी कलर यानी कि लाइट ब्राउन कलर के कपड़े का प्रयोग करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक का बटन भी जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।